अमेरिका में ओबामा की ऐतिहासिक जीत, लगातार दूसरी बार बनेंगे राष्ट्रपति, देश को कहा धन्यवाद। ओबामा ने हासिल किए 303 इलेक्टोरल वोट, 270 वोटों की थी जरूरत। ओहायो और कैलिफोर्निया से मिले वोटों ने दिलाए ओबामा को बढ़त, वॉशिंगटन और हवाई में भी आगे। कोलोराडो और सिनेसोटा, मिनिसोटा में भी ओबामा ही आगे, लेकिन इंडियाना में रोमनी ने मारी बाजी। मुकाबले में मिट रोमनी काफी पीछे, 206 तक पहुंचा आंकड़ा। जीत के बाद ओबामा ने दिया बेहद भावुक भाषण, कहा अमेरिका ही एक परिवार, सुख और दुख में सब रहेंगे साथ। ओबामा ने अपनी जीत को उम्मीदों और सपनों की जीत बताया, कहा अभी अमेरिका का बेस्ट आना बाकी। दूसरी बारी पर ओबामा की प्रतिक्रिया, इस बार और ज्यादा उत्साह के साथ लौटूंगा व्हाइट हाउस। ओबामा के भाषण में ओसामा का भी जिक्र, नेवी सील के रोल को बताया काफी अहम। हाली में आए सैंडी तूफान पर भी बोले ओबामा, मिलकर करेंगे नुकसान की भरपाई। जीत के बाद शिकागो में ओबामा का पहला भाषण, पत्नी मिशेल और दोनों बेटियां भी थी साथ। अमेरिका की फर्स्ट फैमिली ने हाथ हिलाकर किया लोगों का स्वागत, देर तक बजती रही तालियां। मंच पर ओबामा ने बेटियों को किया प्यार, समर्थकों को कहा शुक्रिया। ओबामा ने लोगों के साथ बांटी जीत की खुशी, 4 साल के और किनारे के साथ गूंजा शोर। भाषण के आखिर में फिर से दिखा ओबामा का पारिवारिक प्रेम, पत्नी और बेटियों ने करीब आकर दी बधाई। जीत के बाद ओबामा ने खुलकर किया अपने प्यार का इजहार, कहा कामयाबी के पीछे हैं मिशेल। ओबामा ने सार्वजनिक भाषण में किया इकरार, मिशेल की वजह से मिला है आज का ये मुकाम। मिशेल की मेहनत और लगन के दीवाने बने ओबामा, कहा 20 साल पहले शुरू हुआ था ये सफर। ओबामा ने कहा लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं मिशेल और उन्हें है बेहद गर्व। ओबामा ने बेटियों के लिए रखी मिसाल, मॉम की तरह बने मजबूत। मिशेल ओबामा ने जीत के बाद किया ट्वीट, विजय के लिए लोगों को कहा शुक्रिया। जीत के बाद नजर आई ओबामा की उदारता, मिट रोमनी से की बातचीत। ओबामा ने कहा और रोमनी के दिल में भी है अमेरिका के लिए प्यार, विकास के लिए लेते रहेंगे उनकी राय। मिट रोमनी ने भी ओबामा को दी बधाई, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे राष्ट्रपति। ओबामा ने उपराष्ट्रपति की मेहनत और सहयोग के लिए कहा शुक्रिया, जीत में ब्रिटेन की खास भूमिका। बराक ओबामा की जीत पर अमेरिका में जगह जगह जश्न, सड़कों पर निकले लोग। शिकागो में शाम के बाद से बढ़ गई थी हलचल, अमेरिकी झंडे लिए लोग कर रहे थे नतीजे का इंतजार। ओबामा की जीत पक्की होते ही शुरू हो गया जश्न, कन्वेंशन सेंटर में मुख्य कार्यक्रम हुआ। ओबामा का गृह नगर है शिकागो, यही था ओबामा के चुनाव प्रचार अभियान का मुख्यालय। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जुटे हजारों लोग, देर रात तक झूमती रही भीड़। ओबामा की जीत पर भारत ने जताई खुशी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भेजा बधाई संदेश। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में भी जीत का जश्न, भारत के साथ रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद। शेयर बाजार ने भी दी ओबामा को जीत की सलामी, उछला सेंसेक्स। भारतीय उद्योग जगत में भी ओबामा की विजय का क्या स्वागत, अर्थव्यवस्था सुधरने की उम्मीद। ओबामा की जीत पर उद्योगपति राहुल बजाज की प्रतिक्रिया, भारत के लिए ओबामा ही सही। गडकरी को मिला शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का साथ, कहा गडकरी के खत को बचा नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। बाल ठाकरे ने कहा गडकरी के खिलाफ हो रही है साजिश। ठाकरे ने सामने में लिखा जेठमलानी की बगावत के पीछे हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी पर फिर बरसे जेठमलानी, गडकरी को पार्टी के समर्थन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।
जेठमलानी ने कहा जारी रखूंगा अपनी लड़ाई, हिम्मत है तो पार्टी से निकाल कर दिखाएं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया गडकरी को सपोर्ट का, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। स्वामी ने कहा गडकरी पर आरोपों के पीछे है कांग्रेस, जांच से पहले इस्तीफा गलत। जीवनदान मिलने के बाद बीजेपी नेताओं से मिले गडकरी, मंगलवार को बीजेपी ने दे दी थी क्लीन चिट। सुबह सुषमा स्वराज से घर जाकर मिले, काफी देर तक की गडकरी ने सुषमा से बात। सुषमा स्वराज के बाद राजनाथ सिंह के घर गए गडकरी, आगे की रणनीति पर की चर्चा। गडकरी विवाद पर दिग्विजय सिंह की चुटकी, जेठमलानी जी संघर्ष करें, जसवंत और यशवंत हैं साथ। सोनिया गांधी ने रायबरेली में किया कोच फैक्ट्री का लोकार्पण, पूरा हुआ अधूरा ख्वाब। 1685 करोड़ का है रेल कोच फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, हर रोज बनेंगे 1000 कोचेस। उतरेठिया रायबरेली दोहरीकरण ट्रैक का भी किया शिलान्यास, लखनऊ डिवीजन से जुड़ा है प्रोजेक्ट। मुआवजे के तौर पर दिए गए नौकरी के नियुक्ति पत्र, विरोध के चलते टल रहा था कार्यक्रम। दिवाली से पहले मिलावट का खुला खेल, कानपुर में 65 क्विंटल मावा जब्त। एक गोदाम में मिला मिलावटी मावा, स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर भागे मिलावट फोर। मुरादाबाद में भी त्यौहार से पहले धरपकड़ तेज, 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अनुसार मिलावटखोरों के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। लखनऊ की खोया मंडी पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। ठाणे से सटे कल्याण में 2 लाख के नकली नोट बरामद, दिवाली में बाजार में चलाने की थी योजना। पुलिस के अनुसार झारखंड से आए 2 युवकों के पास मिले नोट, कल्याण रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। दिल्ली में जल बोर्ड की कारस्तानी, 2 करोड़ का पानी का बिल भेजा। हरिनगर की सतबीर कौर को भेजा 8 महीने का बिल, बिल पाकर घबराया दिल। 5 दिसंबर 2011 से 26 जुलाई तक का है बिल, पिछले साल लगवाया था नया मीटर। नई दिल्ली स्टेशन पर सनसनीखेज वारदात, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की को ब्लेड मार दी। लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे लुटेरे, विरोध करने पर ब्लेड से किया हमला। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने लुटेरे को धर दबोचा, एक भागने में रहा कामयाब। दिल्ली सरकार के एक मंत्री की बहन के घर लाखों की चोरी, घरेलू नौकर गिरफ्तार। भारी मात्रा में कैश और 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हुआ नौकर, पटेल नगर की है यह घटना। मेघा पाटेकर को मिली जमानत, छिंदवाड़ा में किसानों के मुद्दों को लेकर दी थी गिरफ्तारी। कैथल में 2 स्कूली छात्राओं पर सरेआम फायरिंग से सनसनी, एक की मौके पर मौत, दूसरी की हालत गंभीर। फायरिंग से नाराज छात्राओं के परिजनों का हंगामा, कैथल पटियाला मार्ग पर लगाया घंटों जाम। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं, वजह तलाशने में जुटी पुलिस। वीरभूम में हिंसा पर बीजेपी का ममता परवार, कहा प्रशासन है पूरी तरह फेल, नाकाम रहा प्रशासन। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सड़क पर धू धू कर जली कार, गाड़ी में सवार शख्स ने भागकर बचाई अपनी जान। मारुति 800 में स्टार्ट करते ही निकला धुआं, देखते ही देखते भयानक लग गई आग। दिल्ली के मॉरिस नगर थाने पर छात्रों का हंगामा, डीयू के एक छात्र को थाने ले जाने पर भड़के छात्र। कर्नाटक के रायचूर में 10वीं के छात्र के साथ टीचर की बेरहमी, बाइक चलाने के आरोप में जमकर की पिटाई। छात्र पर स्कूल ग्राउंड में बाइक चलाने का आरोप, पीड़ित ने कहा घटना के दिन स्कूल में नहीं था। नोएडा के सेक्टर 53 में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर, कोई हताहत नहीं। ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा, दोनों गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। देश के जाने माने लोग पीते हैं 75 रुपए लीटर कीमत वाला दूध, नासिक हाईवे पर बनी है भाग्यलक्ष्मी डेयरी। यहां गायों को दिया जाता है ऑर्गेनिक चारा, पूरा काम होता है कंप्यूटराइज। 40 करोड़ की लागत से बनी है डेयरी, गायें दिन भर सुनती हैं मधुर संगीत।
दिल्ली में प्रदूषण का जहर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने की जांच। पिछले दीपावली में हवा में 2.5 मिलीग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड था, इस बार दिवाली से पहले ही 7.3 मिलीग्राम। दिवाली में प्रदूषण और बढ़ने का डर, एसपीएम स्तर भी बढ़ा। एसपीएम का स्तर सामान्य से 6 गुना ज्यादा, सरकार ने मौसम को बताया वजह। ऐसे में दूसरे देशों में घोषित हो जाता है आपातकाल, सड़क से हट जाती हैं गाड़ियां। जनवरी में मिल सकती है ऊंची ब्याज दरों से राहत, आरबीआई के गवर्नर ने दिए संकेत। सुब्बा राव ने कहा महंगाई अगर घटेगी तो कम हो सकती हैं ब्याज दरें। एप्पल के आईपैड का दुनिया भर में क्रेज, 3 दिन के अंदर बिके 30 लाख आईपैड। मित्सुबिशी का अहम फैसला, बंद किया लॉन्सर और पजेरो का उत्पादन। स्टॉक में बची कारों पर दे सकती है भारी डिस्काउंट, इनकी जगह उतारेगी नई कारें। पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव का बयान, भारत इंग्लैंड सीरीज का नाम पटौदी के नाम पर होती तो खुशी होती। पूर्व क्रिकेटर एरापल्ली प्रसन्ना का बयान, सीरीज का नाम पटौदी के नाम पर होता तो भावनाओं का सम्मान होता। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नहीं है भारत के स्पिनर से खौफ, इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर ग्राहम स्वान का बयान।